दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक, कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य के करीब। घने कोहरे के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित, हवाई और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित, कोहरे के कारण आज कई ट्रेनें रद्द। एनसीआर में बीती रात से ही घना कोहरा, नोएडा समेत कई इलाकों में छाई रही धुंध की चादर। नोएडा में सड़कों पर निकले लोगों की बड़ी परेशानी, कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। गाजियाबाद में रात 8:30 बजे से ही छाया घना कोहरा, कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार किरण बेदी, कहा पार्टी जहां से कहेगी वहीं से लड़ने के लिए तैयार, बोली नई दिल्ली में रह चुकी हूं डीसीपी, वहां से चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। अगर जिस तरीके की स्टेबल गवर्नमेंट की अपेक्षा है कि बीजेपी का आने की, और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट, ये हमने जरूर शेयरिंग की है। मिशन 60 को पूरा करने के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार, आज से किरण बेदी का धुआंधार प्रचार, दोपहर 2 बजे रोहिणी से प्रचार की शुरुआत, रोजाना 5 से 6 जनसभाएं करने का कार्यक्रम। दिल्ली के हरिनगर में चुनावी रैली में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा जल्द खोलेंगे आम आदमी पार्टी के मुखिया की पोल पट्टी। मैं श्रीमान केजरीवाल के बारे में यहाँ कोई बात करना नहीं आप चाहता, जब आपकी सभा में आऊंगा ना तब उनको पूरे के पूरा उनका कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने रखूंगा, मगर मेरा समय केजरीवाल को बिगाड़ना नहीं चाहता। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की शिकायत पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को भेजा नोटिस, मंगलवार दोपहर 3 बजे तक मांगा जवाब। केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय पर बिजली कंपनियों से साठगांठ रखने का लगाया था आरोप, सतीश उपाध्याय ने आयोग से की थी शिकायत। सतीश उपाध्याय ने आयोग से अपनी शिकायत में कहा है केजरीवाल ने मुझ पर और आशीष सूद पर गलत और आधारहीन आरोप लगाए हैं। झूठ का झूठ सच का सच होना जरूरी है, आप कुछ भी कहेंगे कुछ भी कहकर के चले जाएंगे, जिस तरह के इल्जाम हम पर लगाए गए, जिस तरह की चीजें हम पर कही गई, वो निश्चित रूप से उसकी कंप्लेंट हमने चुनाव आयोग को की थी। देखिए, चुनाव आयोग ने अगर कोई नोटिस जारी किया है तो उसका हम जवाब देंगे। सतीश उपाध्याय जी के मामले में जो भी हमारे पास तथ्य है, साक्ष्य है, प्रमाण है, उसको हम देंगे, चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। नोटिस के बाद भी केजरीवाल का सतीश उपाध्याय पर हमला जारी, दिल्ली के भसवा में केजरीवाल ने एक बार फिर उठाया बिजली के मीटर का मुद्दा, कहा नोटिस का सबूत के साथ देंगे जवाब। सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनकी कंपनी ने ये सारे मीटर लगाए हैं भाई साहब, बीजेपी के नेताओं ने ये मीटर लगाए हैं आपके घरों के अंदर, ये कागज है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, केजरीवाल को बताया अपने वादों से यू टर्न लेने वाले शख्स, मीडिया के सामने पेश किया केजरीवाल का हलफनामा। उन्होंने कहा मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री बनते ही उनके पीएस ने एक नहीं बल्कि 2 बंगलों के लिए, 2 फ्लैट के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी, कहा कि एक वो ऑफिस की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक घर की तरह इस्तेमाल करेंगे। सोमवार को केजरीवाल के खिलाफ एक बुकलेट जारी करेगी कांग्रेस, किताब का नाम 49 दिन की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। आम आदमी पार्टी से निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, शनिवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से की मुलाकात। दिल्ली के सदर बाजार सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर मारपीट का मुकदमा दर्ज, गुलाबीबाग थाने में दर्ज हुई शिकायत। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक सोमदत्त शर्मा पर अपने समर्थकों के साथ आरडब्ल्यूए के सचिव से मारपीट का आरोप, सोमदत्त की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली में बीजेपी अकाली की दोस्ती कायम, सुखबीर बादल ने कहा 4 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा अकाली दल। दिल्ली में एलजेपी 1 सीट पर लड़ना चाहती है चुनाव, चिराग पासवान ने कहा बीजेपी से चल रही है बात।
बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थन में बोलने वाले तीन मंत्रियों पर गिर सकती है गाज। जेडीयू ने अपनी ही पार्टी के मंत्रियों से मांगा इस्तीफा। नीतीश मिश्रा, नरेंद्र सिंह और विशन पटेल ने मांझी का किया था बचाव, कहा था मांझी को सीएम पद पर बने रहना चाहिए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा जांच से जुड़े ईडी अधिकारी के तबादले के पीछे राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती का विवादित बयान, कहा बहुसंख्यक बने रहने के लिए हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करना जरूरी। मैंने कह दिया कि 10 बच्चा पैदा करना चाहिए, 10 प्रकार के नरकों से रक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें 10 पुत्र चाहिए। यूपी के बदायूं में खाकी फिर हुई शर्मसार, रेप से नाकाम रहने पर पुलिस वाले ने नाबालिग लड़की को छत से फेंका, आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। बदायूं के उजानी थाने के पुलिस क्वार्टर में 12वीं की छात्रा से हुई रेप की कोशिश, अस्पताल में भर्ती छात्रा की हालत गंभीर। मुंबई के दहिसर में दर्दनाक हादसा, क्रिकेट खेलते वक्त एक लड़की के सिर में घुसा तीर, मैदान में दी जा रही थी तीरंदाजी की ट्रेनिंग, अस्पताल में भर्ती छात्र की हालत नाजुक। ताजमहल का दीदार करने आगरा जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के लिए खास तैयारी, ताजमहल तक जाने के लिए तैयार हो रही बैटरी बस, 27 जनवरी को आगरा जाएंगे ओबामा। मिनी बैटरी बस में 5 लोगों के बैठने के लिए लगाए गए हैं आरामदायक सोफे, शिल्पग्राम से बैटरी बस में बैठकर ताजमहल देखने जाएंगे ओबामा। आज मुंबई में मैराथन के दौरान लोगों में दिखा जोश, बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। जॉन अब्राहम के अलावा और भी कई सितारे मैराथन में पहुंचे, कई नामी उद्योगपति भी मैराथन में ले रहे हैं हिस्सा। मैराथन से पहले हाफ मैराथन में भी लोगों का दिखा जोश, सीनियर सिटीजन के लिए भी दौड़ का आयोजन। ट्राई सीरीज में आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से पहला मुकाबला मेलबर्न में, भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:45 बजे शुरू होगा मैच। चोट की वजह से ईशांत शर्मा और रविंद्र जडेजा टीम से बाहर, 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर उसके साथ उतर सकती है टीम इंडिया। ट्राई सीरीज से पहले कप्तान धोनी का हौसला बुलंद, कहा इस सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में होगा फायदा। धोनी ने कहा हमारे लिए खुद को यहां के माहौल में ढालना जरूरी है, हम खेल रहे हैं 2 मजबूत टीमों के खिलाफ। सिडनी में पहला मैच जीत कर ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद, इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया था। लीबिया में अल्जीरियन दूतावास के बाहर धमाका, अल्जीरिया समेत कई देशों में ने लीबिया से राजदूतों को बुलाया वापस। अचानक एक कार में हुआ जोरदार धमाका, कई गाड़ियों को हुआ नुकसान, 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी। अमेरिका के फ्लोरिडा के मेलबर्न स्क्वायर मॉल में फूड कोर्ट में शूटआउट, 1 शख्स की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। 33 साल की महिला थी हमले का निशाना, घायल महिला अस्पताल में भर्ती, स्थानीय पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े की वजह से हुआ शूटआउट। ग्रीस की एजेंसियों को आतंकी हमले रचने वाले युवक की तलाश, बेल्जियम में हमलों की बना रहा था योजना, 27 साल के मास्टरमाइंड आतंकी का नाम अब्दुल हमीद अबाउद है।